ईयर को सेक ऑफ कन्वीनियंस यानी डिटेल में पढ़ने के लिए तीन अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं ईयर को। फर्स्ट आउटर पार्ट इज नोन एज एक्सटर्नल ईयर, सेकंड मिडल पार्ट इज नोन एज मिडल ईयर, थर्ड इनर पार्ट इज नोन एज इनर ईयर। ठीक है, अब एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए लैंडमार्क के पॉइंट्स है। पहला टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जहां पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्टार्ट होता है वहां पे एक्सटर्नल ईयर खत्म होता है। एक्सटर्नल ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इंटरनल ईयर स्टार्ट होता है, इंटरनल ईयर कॉक्लियर विंडो तक चलता है। ठीक है, ये जो ओवल विंडो बोलते हैं ये ओवल विंडो तक चलेगा मिडल ईयर। इसके आगे कौन सा चालू होगा? इंटरनल ईयर। ये है ओवल विंडो और ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके पहले का पार्ट ये जो हुआ दिस इज एक्सटर्नल ईयर, इसके आगे का ये वाला जो पार्ट हुआ दिस इज मिडल ईयर, और उसके आगे का जो पार्ट है दिस इज इंटरनल ईयर। अब ईयर के तीनों पार्ट में अलग अलग चीजें प्रेजेंट है। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर की अगर बात करते हैं तो एक्सटर्नल ईयर में अपने को दो चीजें देखने मिलती है। सबसे पहले प्रेजेंट है पिंगा एंड सेकंड प्रेजेंट है ईयर कैनाल। ठीक है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको आमतौर पर ईयर बोला जाता है दैट इज नथिंग बट पिन्ना। पिन्ना इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन मेडअप ऑफ मस्क्यूलर फ्लैप। ठीक है, और थोड़ा बहुत कार्टिलेज भी प्रेजेंट है उसमें, पर वो मस्क्यूलर वॉलेंटरी नहीं है, यानी मूव नहीं होती। तुम्हारी कान के मसल तुम्हारे आवाज के डायरेक्शन के हिसाब से मूव नहीं होती, कुछ एनिमल्स में होती है। ठीक है, जो बहुत अच्छे से परसीव कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते वैसा, क्योंकि अपनी मसल उतनी अडेप्टेड नहीं है ये, उसमें कुछ हद तक कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये जो पिन्ना है ये कहीं के लिए प्रेजेंट है। पिन्ना का काम एक ही है कि जो भी साउंड वेव आ रही है उस साउंड वेव को क्या करना है, उसे कलेक्ट करना है, यानी इंटेंसिटी एम्पलीफाई करने के लिए पिन्ना प्रेजेंट है। अगर पिन्ना नहीं होगा, किसी का पिन्ना अगर काट के निकाल दिया, हमें तो सुनाई नहीं आएगा, फिर उसको आएगा सुनाई, क्यों? क्योंकि थियरी काम नहीं है ये पिन्ना का। पिन्ना का काम क्या है? जो भी साउंड वेव आ रही है उसे कलेक्ट करने का। जैसे जैसे एज बढ़ जाती है वैसे वैसे पिन्ना की कलेक्टिंग पावर कम हो जाती है, तो उसकी कलेक्टिंग पावर बढ़ाने के लिए अपन उसके ऊपर हाथ रख देते हैं। ये सर्फेस से उसके ऊपर हाथ रख दिए, सर्फेस एरिया बढ़ गया तो और ज्यादा साउंड वेव को कलेक्ट करेगा। जितने ज्यादा साउंड वेव को कलेक्ट करेगा उतने एम्पलीफाई वेव से तुमको सुनाई आएगा आम चीजें को। ठीक है, तो पिन्ना का काम एक ही है कि जो भी साउंड वेव आ रही है उनको कलेक्ट करना। उसके बाद पिन्ना के बाद जो दूसरा पार्ट आता है दिस इज ईयर कैनाल। ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज ईयर कैनाल। ये जो ईयर कैनाल है ये ईयर कैनाल लॉन्ग इलोंगेटेड कैनाल होता है, अराउंड 7 to 10 सेंटीमीटर होता है और एस शेप्ड होता है। शेप याद रखना है, ठीक है, लेंथ ऑफ इनकी पूछने वाला, एस शेप होता है वो, अराउंड 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसको एस शेप इसीलिए रखे है ताकि कोई भी चीज बाहर से डायरेक्टली अंदर ना जा सके। ठीक है, डायरेक्टली नहीं जानी चाहिए, अगर डायरेक्टली जाती है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो अंदर के ऑर्गन को हैम्पर करेगी, इंजोर्ड करेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक छोटी सी लकड़ी ली और वो सीधी अगर डालता है कहीं पर, अगर चुपती है तो हो सकता है उसका कान का पर्दा फट जाएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट जाएगा। इसीलिए वो इशारों में थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा यानी ऑब्लिकली एंटर कराता है उस स्टिक को, सीधी एंटर कभी नहीं कराते, वो नॉर्मल बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि ईयर कैनल भी सीधा नहीं है, इसीलिए नहीं रखा है ताकि अगर बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल अंदर इंजेक्ट होता है, फॉरेन मटेरियल अगर जाता है तो वो फॉरेन मटेरियल जाके डायरेक्टली स्ट्राइक कर सकता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन,
और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को अगर स्ट्राइक करता है कोई इंजरी हो सकती है। ये जो एस शेप कैनाल है या ईयर कैनाल है, ईयर कैनाल में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, मोस्ट कॉमनली सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो वैक्स सीक्रेट करती है या सीबम सीक्रेट करती है, उसी को ईयर वैक्स करके डिनोट किया जाता है। वो ईयर वैक्स टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जमा होगा, यहाँ पे ईयर वैक्स जमा होगा जिसको मैल बोलते हैं अपन, ठीक है। ईयर वैक्स जमा हो रहा है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पहले जमा हो रहा है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जमा हो रहा है। वैसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो ईयर कैनाल प्रेजेंट है उसका डायमीटर काफी छोटा होता है, ये ईयर वैक्स प्रेजेंट होने के कारण और ज्यादा डायमीटर कम हो जाएगा। यानी इमेजिन करो अगर ईयर वैक्स ज्यादा प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली कम साउंड वेव हो जाएगी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का कम साउंड वेव हो जाएगी, तो हो सकता है उसे कम सुनाई है, इसका मतलब वो डेफ है ऐसा तो नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए। वो ईयर वैक्स क्यों प्रेजेंट है वहां, वो तो डेफ बना सकता आपने को, फिर बॉडी ने सिक्रेट क्यों किया वहां पे वैक्स, वो इसीलिए किया क्योंकि उसको पता है ये है तो इंसानी एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा। ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये बहुत डेलिकेट है, बहुत लाइट है, ठीक है। अगर तुम कोई बड़े साउंड के सोर्स के पास जाते हो और बहुत बड़ा साउंड वेव अगर एक इंटेंसिटी में अंदर एंटर होता है तो हो सकता है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हार्म करे, वैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रोटेक्टिंग ईयर के तौर पर उसके साइड में ईयर वैक्स रखा है। ईयर वैक्स क्या कर रहा है, डिस्टर्बशन ला रहा है साउंड वेव में, यानी जो साउंड वेव जा रही है बड़ी इंटेंसिटी के उसको डायरेक्टली हैमर नहीं होने दे रहा है, उसको डायरेक्टली हैमर नहीं होने दे रहा है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे ही ये साउंड वेव एंटर हुई, ये साउंड वेव एंटर होगी किसके ऊपर स्ट्राइक होगी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक पतली स्किन लेयर की लेयर है, बिल्कुल स्किन जैसी पतली लेयर है, ठीक है, और ऑब्लिकली प्रेजेंट है। देखो ऐसा वर्टिकली नहीं है, पूरी टेढ़ी बनाई है, ठीक है, टेढ़ी रखी है उसको, सीधा नहीं रखा। और ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसको जैसे ही इसको आगे वेव टकराएगी, जैसे ही वेव टकराया टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी। सिंपल सा है, जैसे तुम ड्रम को स्ट्राइक करते हो, बैंड को स्ट्राइक करते हो, तो बैंड का जो लेयर है, जो मसल है, जो स्किन है बैंड का, वो वाइब्रेट होता है या नहीं होता, होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को बाहर से आके साउंड वेव स्ट्राइक करेगी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। क्लियर हो गया पिक्चर? फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जैसे ही वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर दूसरा पार्ट है, दैट इज मिडल ईयर। ये मिडल ईयर में तीन ईयर ऑसिकल प्रेजेंट है। ईयर ऑसिकल आर नथिंग बट ईयर होल। और तीन ईयर ऑसिकल कौन कौन से, पहला है मैलियस, दूसरा है इनकस और तीसरा है स्टेपी। और ये तीनों को मिलकर क्या बोले थे अपन, ईयर ऑसिकल। ये तीनों ईयर ऑसिकल के तरफ वाइब्रेशन मिलते हैं, यानी जैसे ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो रहा था, उसके बगल में जो मैलियस है, जैसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुआ ये मैलियस भी इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वर्टिकल मूव कर रहा था, मैलियस हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। फिर जब मैलियस मूव करेगा आगे पीछे, तब इनकस भी मूव करेगा आगे पीछे, फिर स्टेपी भी मूव करेगा आगे पीछे। फिर ये जो ओवल विंडो है, ये ओवल विंडो में भी एक मेम्ब्रेन रखा हुआ है, ये जो ओवल विंडो है, ये ओवल विंडो में भी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो स्टेपी है, ये स्टेपी क्या कर रहा है, ये ओवल विंडो के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है इस तरीके से। तो वापस ये ओवल विंडो के ऊपर वाइब्रेशन बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे। और ओवल विंडो अपने वाइब्रेशन किसको देगा, कॉक्लिया को, दिस इज कॉक्लिया। ओवल विंडो ने अपने वाइब्रेशन किसको दिए, कॉक्लिया को। अब ये जो मिडल ईयर है, ये मिडल ईयर से एक ट्यूब निकला है, इस ट्यूब को बोले यूस्टाशियन ट्यूब। क्या बोला गया इसको, इसको बोला गया यूस्टाशियन ट्यूब। और ये यूस्टाशियन ट्यूब डायरेक्टली एंटर होके कहां ओपन होता है, ये ओपन होता है ओरोफेरिंक्स में। कहां ओपन होता है, ओरोफेरिंक्स में। ओरोफेरिंक्स में जाके ओपन हो रहा है। अब क्यों रखे है वहां यूस्टाशियन ट्यूब, तो यूस्टाशियन ट्यूब को इसीलिए रखे, हो सकता है अगर ज्यादा इंटेंसिटी की एयर आ गई, ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड वेव आ गया, तो ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है बहुत ज्यादा जोर से वाइब्रेट करेगा, ईयर बोन या ईयर ऑसिकल जो है बहुत ज्यादा जोर से वाइब्रेट करेंगे। और ये अगर ज्यादा जोर से वाइब्रेट करते तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा बीच में, तो ये जो कंपार्टमेंट है ये यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, और यहाँ पे कंटिन्यूअसली अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो फूट सकता ना वो, और अगर यहाँ पे बर्स्टिंग हो जाती है तो पूरा हियरिंग एपरेटस खराब हो जाएगा उसका, वैसा नहीं होना चाहिए। करके प्रेशर को रिलीज करने के लिए, जैसे कुकर में सीटी होती है वैसे प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये ट्यूब रखे, ताकि अगर एक्सेसिव प्रेशर आता है तो उसको कहाँ फ्लो कराना है, यूस्टाशियन ट्यूब में। कभी कभी होता है जो कान में डाली दवाई सीधी गले में उतर गई, या गले में कुछ है तो सीधा कान में महसूस होता है, होता है ना अपने को, क्यों, क्योंकि वो जो ब्रिज नेटवर्क है वो यूस्टाशियन ट्यूब का, वो प्रेशर ग्रेडियंट को हमेशा चेक करते रहता है। यानी प्रेशर ग्रेडियंट अगर कोई बोलता है कि मिडल ईयर में कितना प्रेशर प्रेजेंट है, मिडल ईयर में ठीक उतना ही प्रेशर प्रेजेंट है जितना ओरोफेरिंक्स में प्रेजेंट है, और ओरोफेरिंक्स में कितना प्रेशर प्रेजेंट है, ओरोफेरिंक्स में ठीक उतना ही प्रेशर प्रेजेंट है जितना एटमोस्फियर में प्रेजेंट है। एटमोस्फियर में कितना प्रेशर प्रेजेंट है ये पता रहना चाहिए, कितना 1 एटमोस्फियर पास्कल में
कन्वर्जन याद रखना जरा, क्योंकि पास्कल में लिखते हैं काउंट करते समय, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय पास्कल का यूज करते हैं, बोलते समय वर्बली एटमोस्फेयर में, तो वन एटमोस्फेयर यहाँ रहेगा, वन एटमोस्फेयर यहाँ रहेगा, वन एटमोस्फेयर बाहर रहेगा, ठीक है। फिर ये जो पूरी साउंड की डायरेक्शन है ये पहुंची ओवल विंडो तक, फिर ओवल विंडो ने किसको दिया, कॉकलिया। ये कॉकलिया जो है ये कॉकलिया सेमी सर्कुलर कैनाल से बना है, देखो उसको जरा, जैसे स्नेल के ऊपर शेल होती है, स्नेल के ऊपर शेल होती है ना, वो शेल कैसी पॉइंट होती है, दिवाली की चक्री अपनी कैसी स्पॉइल्ड होती है, बिल्कुल वैसा ही है वो कॉकलिया। और ये जो कॉकलिया है ये सेमी सर्कुलर कैनाल से बना है, सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। और ये जो कॉकलिया है ये कॉकलिया में 2/3/4 टर्न प्रेजेंट होते हैं, वैसे तो पूछा है ना, पूछा किसी ने तो याद रखना 2/3/4 टर्न है, यानी ना तो वो ढाई टर्न ले रहा ना तो 3 टर्न कम्प्लीट ले रहा, 2 टर्न पूरे हुए, अब तीसरा टर्न 75% हुआ, 3/4 हुआ ना, यानी 75% हुआ, ठीक है। 1/4 टर्न अभी भी बचा हुआ है। ये तो कॉकलिया, ये कॉकलिया के अंदर एक ऑर्गन है, दैट ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गन ऑफ पार्टनर, क्या बोला गया, ऑर्गन ऑफ पार्टनर। और पूरा खेल जो है ये ऑर्गन ऑफ पार्टा के ऊपर है, ये ऑर्गन ऑफ पार्टा है एक्चुअल में न्यूरोसेंसरी, न्यूरोसेंसरी इसका मतलब कौन भेजेगा इंपल्स, जनरेट कौन करेगा, ऑर्गन ऑफ पार्ट। अब देखो जरा ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं अपन कॉकलिया, कॉकलिया को जैसे ही कट करेंगे अपन ट्रांसवर्सली कॉकलिया में अपने को तीन अलग अलग कंपार्टमेंट देखने मिले, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे तीन कंपार्टमेंट देखने मिले। ये जो पहला कंपार्टमेंट ऊपर था इसका नाम है स्केला वेस्टिब्यूलर, क्या नाम है इसका, स्केला वेस्टिब्यूलर। ये जो बीच का कंपार्टमेंट है दिस इज टर्म्ड एज स्केला मीडिया, और ये जो नीचे का कंपार्टमेंट है दिस इज टर्म्ड एज स्केला टिम्पैनी। ये जो बीच का डिब्बा है स्केला मीडिया, ये स्केला मीडिया का जो रूफ है, सॉरी जो फ्लोर है, ये फ्लोर में यहां पर ऐसे थिकनेस प्रेजेंट है और यहां पर प्रेजेंट है ऑर्गन ऑफ पार्टा। तो ये जो एपरेटस है यहां पे, यहां पे प्रेजेंट है ऑर्गन ऑफ पार्टा, और ये ऑर्गन ऑफ पार्टा से एक नर्व निकली है, कौन सी नर्व होगी, ऑडिटरी, वेरी गुड। तो दिस नर्व इज ऑडिटरी नर्व, ये है ऑडिटरी नर्व, और ऑडिटरी नर्व जहां से निकली है दिस इज ऑर्गन ऑफ पार्टा। अब ये जो तीनों कंपार्टमेंट है ये तीनों कंपार्टमेंट में फ्लूइड भर के रखा है, ठीक है, फ्लूइड भर के रखा है। यहाँ पे जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का नाम है पेरिलिम, पेरिलिम। यहाँ पे जो फ्लूइड है स्केला टिम्पैनी में उसका भी नाम है पेरिलिम, और जो बीच के डिब्बे में फ्लूइड है दिस सिस्टम डस एंडोलिम, यहाँ पे प्रेजेंट है एंडोलिम। ये फ्लूइड है, फ्लूइड कुछ नहीं है, लिम्फेटिक फ्लूइड ही है वो, बस उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम ज्यादा किया है ताकि बहुत अच्छे तरीके से वो वाइब्रेशन को पास कर सके। देखो जितने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल रहेंगे उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, जितने सोल्यूट उतनी एंट्रोपी ज्यादा, जितनी एंट्रोपी ज्यादा ना उतना डिस्टर्बेंस ज्यादा, जितना डिस्टर्बेंस ज्यादा रहेगा उतने वाइब्रेशन मीन वैल्यू के साथ कैरी नहीं कर पाएगा वो, तो सिंपल सी बात है कि उसको अगर वाइब्रेशन मीन वैल्यू के साथ कैरी करना है, बहुत अच्छे वेवलेंथ के साथ लेके जाना है, तो ऑटोमेटिकली उसको कम एंट्रोपी दिखानी पड़ेगी, कम एंट्रोपी दिखाने के लिए सोल्यूट का लेवल कम करना पड़ेगा। तो ये इस तरह का सोल्यूशन फ्रेम किया गया जहां पे सोल्यूट कम प्रेजेंट है, तो लिम्फेटिक फ्लूइड जैसा ही है क्योंकि लिम्फेटिक फ्लूइड में काफी हद तक सोल्यूट को कम कर दिया गया, ब्लड और लिम्फ में यही तो फर्क है क्योंकि लिम्फ में ज्यादा बोलबाला किसका है, वाटर का ही है या सोलवेंट का ही है, तो बिल्कुल वैसा ही फ्लूइड है, इसलिए लिम्फ ये सफिक्स में यूज किया जाता है। अब याद रखना और आसान है, पेरी का मतलब होता है पेरीफेरी, तो ये पेरीफेरी के हुए, ये सेंटर का हुआ ना, तो ये ऊपर और नीचे, ये पेरीफेरी में इसलिए पेरीलिम्फ, ये सेंटर में इसलिए एंडोलिम, सिंपल है वो याद रखने के लिए। अब लेयर्स, लेयर्स की बात करते हैं तो अपने पास तीन लेयर है, जैसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाली एक लेयर है, ये वाली एक लेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बेस है और ये एक रूफ है, समझ में आ रहा है सर, ये टिप्पे का, ये कंपार्टमेंट का, ये वाला एक लेयर हुआ, ये वाला एक लेयर हुआ और ये वाला एक लेयर, तो अपने पास तीन लेयर है, एक दो तीन, एक है रेसिनर मेम्ब्रेन, एक है बेसिनर मेम्ब्रेन और एक है टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ऊपर का कौन सा रहेगा सबसे ऊपर का, ये बता सकता है, ये वाला बेसिलर मेम्ब्रेन, वेरी गुड, दिस इज बेसिलर मेम्ब्रेन, शायद ये डायग्राम है नहीं बुक में, है क्या, ये वाला मेम्ब्रेन रेसिनर मेम्ब्रेन, और ये जो मेम्ब्रेन है नीचे का, दिस इज टेक्टोरल मेम्ब्रेन। अब
देखो पूरा तामझाम कितने सिंपल और अच्छे तरीके से चल रहा है। अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये जो कंपार्टमेंट है बीच का स्केला मीडिया, स्केला मीडिया में एक फ्लूइड भरा है, उस फ्लूइड का नाम क्या है? फ्लूइड का नाम है एंडोलिम। वो एंडोलिम नाम का फ्लूइड पूरा भरा है उस डिब्बे में, और वो डिब्बे की जो रूफ है यानी बाउंड्री वॉल है, वो बाउंड्री वॉल में सिलाई प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सिलाई। तो ये जो ऊपर का रेटिना मेम्ब्रेन है यहाँ पे भी ऐसे सिलाई हेयर सेल प्रेजेंट है, और ये जो टेक्टोरल मेम्ब्रेन है यहाँ पे भी ऐसे हेयर सेल प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब कभी यहाँ से साउंड वेव एंटर हुए, ये साउंड वेव जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टच करेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसको वाइब्रेशन देगा? मैलियस इनकस टिफिस। इनकस चाफी किसके ऊपर बाउंड करेगा? ओवल विंडो। ओवल विंडो किसको देगा? कॉक्लिया। अब कॉक्लिया में जैसी वाइब्रेशन आ गए, कॉक्लिया वाइब्रेट करेगा। अब पूरा कॉक्लिया थोड़ी वाइब्रेट करेगा, कॉक्लिया तो फिक्स्ड है, तो वाइब्रेट कौन करेगा? कॉक्लिया के एंडोलिम, ये जो स्केला मीडिया प्रेजेंट है, ये स्केला मीडिया में जो फ्लूइड है एंडोलिम, ये एंडोलिम का फ्लूइड वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो ये फ्लूइड जो है, फ्लूइड कैसे वाइब्रेट करता है? फ्लूइड जब वाइब्रेट करता है तो उसके सरफेस पर वेव्स आते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे अगर तुमने बॉटल ली, बॉटल में पानी है, और उस बॉटल को अगर तुम स्ट्राइक कर रहे हो, गेटवेनिंग फॉक्स से स्ट्राइक किए, उसमें वाइब्रेशन आएगी। वाइब्रेशन आएगी तो जो सरफेस उसका स्टैगनेंट था वो मूव होगा ना, तो मूव हो रहा है यानी क्या आ रही है? वेव्स आ रही है। वैसे यहाँ पे जो फ्लूइड है यहाँ पे भी क्या आएगी? वेव्स आएगी। सिंपल है। अब यहाँ पे जब वेव्स आएगी तो ये जो हेयर सेल है ऊपर हेयर सेल है, ये जो वेव्स आएगी पूरे हेयर सेल को टच होगी क्या? नहीं, वो कुछ हेयर सेल को टच होगी, कुछ को नहीं होगी, कुछ को होगी, कुछ को नहीं होगी। जिस हेयर सेल को टच होगी वो स्टिम्युलेट हो जाएंगे, और वो स्टिम्युलेट होने के बाद मैसेज किसको देंगे? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को। ऐसी जो टचिंग सेंसेशन आ रहा है उसके मैसेज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को मिल रहा है, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई वही मैसेज को एम्पलीफाई करके हुए ऑडिटरी नर्व के हाथ से कहां भेज रहा है? ब्रेन। और ब्रेन उस मैसेज को फिर एनालाइज, इस तरीके से वो जो वेव्स आ रहे हैं उस वेव्स के मैसेज को इंटरप्रेट किया। जितने ज्यादा स्पीड में वेव्स आएगी, इसलिए बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्पीड में अगर कोई बोलता है तो अपने को समझ में आता है क्या? क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते ना। ये जो पूरी रैंडम प्रोसेस है, ये प्रोसेस चला निकले थोड़ा सा कम है, ये पूरी प्रोसेस चलाने के लिए समय लगता है। वो इतने ईज में नहीं होता। जैसा फोटो रिसेप्शन की बात कर रहे हैं, तो फोटो रिसेप्शन जो है बहुत ज्यादा स्पीड में होता है। क्यों बहुत ज्यादा स्पीड में होता है? क्योंकि वहां पे जो चेंज हो रहा है वो बस एक ही हो रहा है, कौन सा? रेटिनॉल से रेटिनल, रेटिनल से रेटिनॉल, और वो एक ही रिएक्शन बड़ी स्पीड में हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसको बाइंड करने के लिए, रिएक्शन को चलाने के लिए जो कैटलिस्ट होना, एंजाइम होना, और बाकी को फैक्टर होना बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंटली वहां प्रेजेंट है। यहाँ पे वैसा नहीं लगता। यहाँ पे पहले वेव्स आके यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, कुछ समय देगा तब जाके ट्रांसमिट होगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर कुछ समय लेगा तब जाके ट्रांसमिट होगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये स्केला मीडिया के एंडोलिम में जाएगा, एंडोलिम स्ट्राइक होगा, और मैसेज किसको मिलेगा? हेयर सेल को। हेयर सेल ऑर्गन ऑफ कॉन्टैक्ट को देगा। थोड़ा सा लंबा बात। और दूसरा, वैसे भी लाइट वेव के कंपेरिजन में साउंड वेव की स्पीड काफी, अरे अपने पास ऐसे मिसाइल्स है, ऐसे एयरक्राफ्ट है जो साउंड वेव से भी ज्यादा स्पीड में दौड़ते हैं। साउंड की स्पीड कितनी है? 240 मीटर पर सेकंड। ये साउंड की स्पीड है। लाइट की स्पीड कितनी है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। कुछ कंपेरिजन है क्या? कुछ नहीं। अपने पास कुछ ऐसे मिसाइल्स है, जैसा फॉर एग्जाम्पल पता नहीं अग्नि करके सुने या नहीं सुने, धर्मो सुने होंगे, अग्नि नहीं सुने, नाग नहीं सुने, ये जो मिसाइल है अपने इंडिया मिसाइल, इनकी स्पीड काफी ज्यादा है बेटा। ये स्पीड है इनकी लगभग 600 मीटर पर सेकंड, यानी वो सिग्नल बाद में पहुंचता, पहले मिसाइल पहुंचता। ऐसा है कभी पे तो ऐसा है कि एयरक्राफ्ट और मिसाइल दोनों साथ में है, पर मिसाइल निकली तो एयरक्राफ्ट थोड़ी दूरी का मिसाइल टारगेट तक पहुंचे, इतने ज्यादा स्पीड में चलते हो, यानी साउंड से भी ज्यादा वेलोसिटी है। अब यहाँ पे 10 बार क्यों फोकस किया जा रहा है? मिसाइल का डायरेक्शन नहीं पता रहा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा, साउंड वेव जो है वो कोई ना कोई वेक्टर लेके जाता है, साउंड वेव खुद नहीं जा सकते, ये बात हमेशा याद रखना। मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हारे तक पहुंच रहा है, वो साउंड पहुंच रहा है, वो साउंड तुम्हारे कानों तक कैसे आया? कौन ने क्या? एयर। मीडिया बहुत जरूरी है, अगर एयर नहीं होगी तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, ये चीज को याद रखना। अगर एयर नहीं होगी तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, अगर बिना एयर से भी साउंड ट्रैवल किया रहता तो अपन वैसे ही बह रहे थे। क्यों? क्योंकि सन में कंटिन्यूअसली कौन सी रिएक्शन हो रही? फ्यूजन रिएक्शन। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो रही है सन में, बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है, एक तरह से एटॉमिक बम रिएक्शन चल रही है,
तो उतना जो साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है वो पूरा साउंड अपने कानों पर आया होगा, तो अपन वैसे ही डेफ हो गए होते, पर वहां पे वैक्यूम प्रेजेंट है सन और अर्थ के बीच में, इसीलिए वो साउंड अपने तक नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए हमेशा याद रखना, साउंड को लेके जाने के लिए कोई ना कोई एक मीडियम लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है एयर लगती है, क्या लगता है मीडियम लगता है। इसीलिए अपने पास यहाँ पे दो कंडक्शन देखने मिल रहा है, ये एयर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जो साउंड गया इसको कौन लेके गया, एयर। इसीलिए एक्सटर्नल ईयर में जो कंडक्शन हो रहा है उसको बोल रहे हैं एयर कंडक्शन, क्या बोल रहे हैं एयर कंडक्शन। और यहाँ पे मिडल ईयर में कौन लेके जा रहा साउंड को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो तक कौन लेके गया साउंड को, ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल का मतलब क्या है, वो बोन्स। इसीलिए कौन सा कंडक्शन बोला जाता है मिडल ईयर में, मिडल ईयर में बोला जाता है बोन कंडक्शन। अब ये दोनों में कौन से कंडक्शन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, एयर कंडक्शन की या बोन कंडक्शन की? सिंपल सी बात है, एयर में अगर कोई वेव जा रही है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, या सॉलिड में कोई वेव जा रही है उसकी स्पीड ज्यादा होगी? सॉलिड में एंट्रोपी ज्यादा रहेगी। अरे स्ट्राइक करके देखो, तुम यहां से चिल्ला रहे हो और यहाँ पे लोहे का रॉड है, लोहे का रॉड स्ट्राइक करते हो तो दूसरे एंड पर वाइब्रेशन जाएगा, और तुम बोल रहे हो तो भी दूसरे एंड पर वाइब्रेशन जाएगा। इसका पहले पहुंचेगा तुम्हारा, उसका बाद में पहुंचेगा। यानी एयर कंडक्शन से सॉलिड कंडक्शन थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में चलता है, यानी सॉलिड कंडक्शन हमेशा थोड़े डिले पर है, यहाँ पे बोन कंडक्शन भी डिले पर आएगा। तो बोन कंडक्शन, और ये काफी अच्छे से इंक्लिनेशन देता है, बोन कंडक्शन अपने को ये बताने में मदद करता है कि कम सुनाई आ रहा तो कम से कम सुनाई आ रहा, राइट से कम आ रहा या लेफ्ट से कम आ रहा। बड़ा सिंपल है पहचानना, ट्यूनिंग फोर्क देखो, वो ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करना स्ट्राइक करके यहाँ 4-8 के सेंटर में रखे, जैसे ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करके 4-8 के सेंटर में रखे, उसके वेव्स बोन के थ्रू दोनों ईयर की तरफ जा रहे हैं। जिस ईयर की तरफ पहले पहुंचे उसको कुछ नहीं कहा, जिस ईयर की तरफ पहले पहुंचे वो ज्यादा काम कर रहा, दूसरा ईयर कम काम कर रहा, या वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, तो उसको बोलने का कब तक सुनाई आ रहा, उसको सुनने देने का वाइब्रेशन, फिर पूछने का किस कान के पहले बंद हुए सुनना, वो ज्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर रहा, फिर वो बोलेगा राइट के पहले बंद हुए या लेफ्ट के पहले बंद हुए, जो भी है उससे अपने को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होती है, राइट साइड का डेफिनेशन या लेफ्ट साइड का डेफिनेशन, लेफ्ट साइड का डेफिनेशन। ये मतलब है एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के। ऑपरेटर समझा, यहां तक समझा ना ये पूरा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है ईयर के ऊपर, ईयर बहुत काम का। अभी ये ईयर में और एक दूसरा ऑर्गन रखे, ये ऊपर दिख रहे हैं जो बटरफ्लाई जैसे दिखते हैं, दिस इज नथिंग बट वेस्टिब्युलर एपरेटस। क्या बोला जाता है इसे, इसे बोला जाता है वेस्टिब्युलर एपरेटस। ये जो वेस्टिब्युलर एपरेटस है, ये वेस्टिब्युलर एपरेटस ठीक कॉकलिया के ऊपर प्रेजेंट है, दोनों लिम्ब के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है, रखा हुआ इस तरीके से, ठीक है। इसलिए डायग्राम में ऐसे दिख रहा है, वो ऐसे दिख रहा है ना डायग्राम में, पर है वो ऐसे, यानी कितने का एंगल है 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर है। और ये दोनों आर्म जो है, ये दोनों आर्म को नाम दिया जाता है सैक्युलस और यूट्रिक्युलस, सैक्युलस और यूट्रिक्युलस ऐसा नाम दिया जाता है। इन दोनों का काम है इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम या पोस्चर मेंटेन करना, ठीक है, इक्विलिब्रियम या पोस्चर। जैसा फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा चलना सीख रहा है तो इक्विलिब्रियम उसका बहुत अच्छा है, छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो इक्विलिब्रियम उसका बहुत अच्छा नहीं होता, इसलिए चलते समय वो राइट में शिफ्ट होता है लेफ्ट में शिफ्ट होता है, कभी कभी चलते चलते गिर भी जाता है, या सपोर्ट देखता है जो अभी अभी चलना सीख रहा है उसको देखो जरा वो किस तरह से चल रहा है, क्यों, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ। हाँ, 2-3 महीने हो गए उसको सीख के, अभी 2-3 महीने हो गए सीख के, अभी उसका कमांड आ गया, उसको अभी चलना आता है, किस तरह से खड़ा होता है किस तरह से चलता, दोनों के वॉकिंग के सीन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने मिलता है। जस्ट चलना सीख रहा है वो थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है, क्यों, क्योंकि उसका जो इक्विलिब्रियम है वो उतने अच्छे सटीक तरीके से नहीं बना। अडल्ट की अगर बात करते हैं, तुम अगर नींद से उठते हो और नींद से उठने के बाद अगर जाते हो कहीं ऑटोमेटिकली बराबर चलते हो, ऐसा तो नहीं नींद उठने के बाद अपन थोड़ा सा टेढ़ा हो गए गिर गए कहीं पे, ऐसा कभी नहीं होता, क्यों, क्योंकि अपने बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो टोटली मेंटेन है। अब ये जो अपने बॉडी का इक्विलिब्रियम है ये मेंटेन रखना किसका काम है, अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये वेस्टिब्युलर एपरेटस मेंटेन रखता है, यानी ये अपने बॉडी को हमेशा मिडलाइन में रखता है, कहीं में रखता है मिडलाइन में सेंटर में, ये ना तो राइट में शिफ्ट होने देता ना तो लेफ्ट में शिफ्ट होने देता। अगर घर में अपन वॉशिंग मशीन वगैरह लगाते हैं या टीवी वगैरह लगाते हैं माउंट जो कराते हैं वॉल के ऊपर LCD, वहां पे वो वाटर यूनिट लाता है देखने के लिए कि लेवल जो है वो सीधा है या नहीं है, वाटर मार्क रहता है उसके पास, वो वाटर मार्क की मदद से वो बताता है कि ये इसी डायरेक्शन में होना, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो देखे वाटर मार्क, वो वाटर मार्क कैसा रहता है, एक छोटा सा ट्यूब रहता है उसमें पानी रहता है और एक बबल रहता है, उन्होंने कितने समय से इस्तेमाल कर रहा था, वो जो लेबर लोग होते ही है दीवारें बनाने वाले घर बनाने वाले वो भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं,
वो जो वाटर मार्क है बिल्कुल वैसा ही वाटर मार्क वेस्टिबुलर एपरेटस में प्रेजेंट। वेस्टिबुलर एपरेटस ये सैक्युलस यूट्रिक्युलस का ये सैक्युलस और यूट्रिक्युलस एक तरह के ट्यूब्स है, उन ट्यूब्स के अंदर एक फ्लूइड होता है। अब कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसमें, ऑब्वियसली कॉकलिया के ऊपर है, कॉकलिया के ऊपर यहाँ कौन सा फ्लूइड है, पेरिलिन। तो मोस्ट कॉमनली पेरिलिन भरा होगा उसके अंदर, सीधे सी बात। तो पेरिलिन पर उसके अंदर, और ये जो पेरिलिन पर ये पेरिलिन में ये इस तरह से बता, ये ट्यूब है और यहाँ पे पेरिलिन पर तो ये पूरा फ्लूइड भरा है, पूरा फ्लूइड भरा है, और ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड में बबल प्रेजेंट है, और वो बबल हमेशा सेंटर में प्रेजेंट है। यहाँ पे एयर सेल प्रेजेंट है राइट साइड में, और ये लेफ्ट साइड में भी एयर सेल प्रेजेंट है, तो एयर सेल दोनों साइड में प्रेजेंट है। अभी ये बबल सेंटर में कब रहेगा, ये बबल सेंटर में तब रहेगा जब बॉडी इक्विलिब्रियम के पोजीशन पर रहेगी। अगर बॉडी का इक्विलिब्रियम पोजीशन टिल्ट हो जाता है, जैसा फॉर एग्जांपल अभी बॉडी इक्विलिब्रियम के पोजीशन में, मैं अगर इंक्लाइंड हो जाता हूँ, अभी बॉडी इक्विलिब्रियम के पोजीशन पर रह गया, जैसी इंक्लाइंड होगी बॉडी, बॉडी का इक्विलिब्रियम पोजीशन हट गया, अभी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है तो ये जो बबल है ये बबल कहाँ शिफ्ट होगा, जिस साइड में बॉडी शिफ्ट हो रही है उसके अपोजिट साइड में बबल शिफ्ट होगा हमेशा याद रखना। अगर बॉडी राइट में शिफ्ट हो रही है तो बबल शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड में, और बॉडी अगर लेफ्ट में शिफ्ट हुई तो बबल शिफ्ट हुआ, और जैसी ये बबल राइट में साइड में शिफ्ट होगा वैसी यहाँ की हेयर सेल ट्रिगर हो जाएगी और ये मैसेज भेजेगी, या अगर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो यहाँ की हेयर सेल ट्रिगर हो जाएगी और ये मैसेज भेजेगी, और ये दोनों जगह पे मैसेज जाएगा कहाँ, ये दोनों जगह से मैसेज जाएगा सीधा सेरिबेलम में, क्योंकि सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा था इक्विलिब्रियम पोस्चर याद आ रहा है, तो सीधा मैसेज जाएगा सेरिबेलम के पास, और सेरिबेलम कोई ना कोई एक्शन करवाएगा, यानी हाथ के मसल को या पैर के मसल को कमांड देगा और वो कहीं ना कहीं कैच करेगा, ग्रास्प करेगा, यानी तुम गिर रहे हो, तो वैसे ही वेस्टिबुलर एपरेटस ने ब्रेन को बता दिया, तो ब्रेन तुम्हारे हाथ को मैसेज देगा कि जो भी सराउंडिंग में चीज है उसको पकड़ने की कोशिश करो, तो अपन गिरते समय किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते, ये इमेजिन नहीं करते वो अपने को बचाने लायक है या नहीं है, जो है उसको पकड़ते अपन, क्योंकि वो रिफ्लेक्स है। तो किस तरह से ये वेस्टिबुलर एपरेटस काम करता है, बिल्कुल बॉटल में जैसे बचपन में खेलते हैं यार अपना, बॉटल में पानी भर देते हैं, अब उधर क्या एक बबल रहता है, फिर वो बॉटल को टिल्ट करते हैं, बॉटल का बबल सेंटर में रखने की कोशिश करते रहो, थोड़ा सा भी अगर बॉटल को इंक्लाइन करते बबल शिफ्ट हो जाता दूसरे ही दफा, लेकिन नहीं हो गया फ्रिज का पानी कितने दफा देखते हैं एक आधी बार, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है वो वेस्टिबुलर एपरेटस, अब वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में मदद करता है। यहाँ से जो नर्व निकल रही है जो सेरिबेलम तक जा रही है वो कौन सी नर्व है, ऑडिटरी नर्व के साथ, ऑडिटरी नर्व का दूसरा नाम क्या है, एक नर्व है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नाम, देखो दो दो नाम दिए कोई कोई नर्व में, उसमें एक का नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, इसका नाम है ऑडिटरी, और दूसरी कॉक्लिया का एक ब्रांच आता है, ऐसे दो नर्व मिलके ये पूरा एपरेटस संभालते हैं, यानी ईयर का भी और वेस्टिबुलर एपरेटस। फंक्शन ऑफ ईयर की अगर बात करते हैं कौन सा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ईयर बस पहला ईयर है, दूसरा मेंटेन द बैलेंस, नहीं बोलना मेंटेन द बॉडी इक्विलिब्रियम या पोस्चर, बैलेंस वर्ड में लिखा ही वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता पोस्चर मेंटेन करता, दूसरा फंक्शन हो गया, पहला हो गया कि हियरिंग सेंसेशन को कैच कराता है या ऑडिशन में मदद, अदर फंक्शन अरे काफी सारे फंक्शन है उसके, क्वेश्चन तो ऐसे डिफिकल्ट बनाएगा, वो चार मार्क का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एनलिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ ईयर, इसमें दो फंक्शन लिख के आओगे तो चार मार्क्स कितना देगा, आधा मार्क देगा, प्रिवेंट द एक्सेसिव वेव फ्रॉम
गेटिंग टूवर्ड्स ईयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, वो डाल दो। यूस्टाचियल ट्यूब का काम क्या? इक्वलाइज द प्रेशर बिटवीन मिडल ईयर एंड लैरिंग्स, वो डालो। फंक्शन कितने सारे फंक्शन है मुंह को, अरे कितने सारे फंक्शन है, इतने सारे तो फंक्शन है, 8-10 फंक्शन तो यूं बन जाएंगे। उसमें पहले ऑब्वियसली जो तुमने बताया वो तो पहले डालने हैं तुमको, यानी हियरिंग का फंक्शन पहले डालना है, उसके बाद इक्विलिब्रियम पोस्चर का फंक्शन डालना, उसके बाद ऐसे शरीर में बात करिए तुमने लिए वो पूरे साथ पेयर में प्रेजेंट, एक राइट साइड में प्रेजेंट, एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट। अब राइट साइड का ईयर जो है वो अलग काम कर रहा, लेफ्ट साइड का ईयर अलग काम कर रहा, ऐसा नहीं है। दोनों से एक एक नर्व निकली है, दोनों से ऑडिटरी नर्व निकली है और दोनों की ऑडिटरी नर्व ब्रेन के तरफ गई है, बस दोनों नर्व का एक छोटा सा पार्ट जो है वो आपस में अटैच है। इसका मतलब राइट साइड से जो मैसेज आता है वो लेफ्ट साइड में भी जाता है और लेफ्ट साइड से जो मैसेज आता है वो राइट साइड में भी जाता है। इसका मतलब सिंक्रोनसली काम करते हैं। फिर भी ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों ईयर अपने 100% काम करते हैं। वो डिजल ऑर्गन जब बनाता है ना अपना बॉडी, ऊपर वाला जब अपने को दो ऑर्गन देता है कोई भी, तो वो दो ऑर्गन में से कोई एक ऑर्गन थोड़ा सा एक साइड जो उसका वो थोड़ा सा कमजोर है, जैसा फॉर एग्जाम्पल किडनी, लंग्स, दो है अपने पास पेयर में प्रेजेंट है और ऑटोमेटिकली दो लंग्स में से एक लंग ज्यादा पोटेंट है, दूसरी लंग कम हो, यानी थोड़ी सी भी अपने पास दो किडनी है, दोनों किडनी में से एक किडनी थोड़ी सी भी, अपने पास दो आईज है, दोनों आईज में से एक आई थोड़ी सी भी, इसलिए अपने को एक आंख से उतना अच्छा नहीं देखने मिलता जितना दूसरे आंख से। और ये सब चीजें समझ में आती जिस तरह से एज बढ़ती है, जैसे जैसे एज फैक्टर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये काफी सारी चीजें अपने समझ में आती है कि ऐसा भी कुछ हो। दोनों ईयर्स है तो दोनों में से कोई एक हाथ ईयर में इफेक्ट जल्दी आ सकता कंपेरेटिव। और इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल वर्कर खास करके जहाँ पे बहुत ज्यादा साउंड प्रोडक्शन वगैरह होता है वो ज्यादा जल्दी ससेप्टिबल होते हैं कोई भी ईयर डिजीज से या डिफनेस से वगैरह, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्मी पर्सनल वगैरह जो होते हैं वो गन वगैरह को अपने कंधे पर लेकर घूम रहा है, डिफेक्ट में आ सकता है वो, क्यों? क्योंकि वहां पे एकदम जर्क आ रहा है, एकदम साउंड वेव जो है 1-2-3-4-5 लोगों को मिलना मुश्किल है। जो साउंड वेव आएगा ये एकदम से बिल्कुल ऐसा फोर्सफुली आएगा, इतने फोर्सफुली आएगा जैसे ही कोई मशीन गन में से या कोई उनके दूसरे इंस्ट्रूमेंट में से जैसे ही मिसाइल लोड होके या गोली लोड होके निकले वो इतने जोरदार तरीके से थ्रस्ट मारता है कि वो थ्रस्ट के कारण ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बिटा देता है। अच्छा, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको कान का पड़ता हो जाता है ये अगर डैमेज हो जाता है या फट जाता है सुनाई नहीं आएगा, ऐसा होगा नहीं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ना बेटा पूरा बैंड का जो स्किन होता है बिल्कुल बैंड के स्किन जैसा, बैंड का स्किन तो देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पड़े हुए, पहले अपन जो बैंड बनाया करते थे वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा। अब वो सेमी परमेबल बैंड का अगर स्किन फट गया यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का अगर स्किन फट गया तो क्या होगा? जैसा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर किसी का फट गया ऐसा क्या सुनिए, सुनाई आएगा या नहीं आएगा? फटा हुआ बैंड कैसे बसता है? आवाज नहीं आता क्या उसका? आता है, पर वो जो आवाज है वो थोड़ा सा फाट तरीके से, बिल्कुल वैसा ही आवाज दिया, यानी अलग ही आवाज आएगा वो थोड़ा सा अलग ही, यानी सुबह हुए जब उसी तरीके से वो अलग ही फॉर्म में बचेगा तो अलग ही आवाज आते रहेगा उसका, और वो आवाज जो है वो पूरी फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं आ रहा इसीलिए पूरे वाइब्रेशन कैच नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हो सकता है कि उसका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर क्रैक हो गया या इंज्योर्ड हो गया, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर उसका क्रैक हो गया या इंज्योर्ड हो गया तो दूर से अगर कोई बात कर रहा है तो उसको कुछ तो भी उसको बस इतना समझ में आ रहा है कि कोई तो भी बात कर रहा है, पर उसके कान के पास जाके अगर बात कर रहा है तो उसको समझ में आएगा कि क्या वर्ड बोल रहा है। वो पांच जनों का नाम लेना उनके घर फोन करना और उनको मेरे पास नंबर जब तक आते नहीं बता इसलिए एक दो तीन और बस वही भेजा पीछे तीन ये तीन और ये दो उनके पीछे ये मेरे से मिलने के लिए बोलना पड़ता तो जैसे जब तक वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पूरे तरीके से जुड़ नहीं जाता हम उसके पास दोनों पोटेंसी होती है, रीजनरेट होता है वो, रीजनरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होता है वो, और अगर रीजनरेट नहीं होता है तो ट्रांसप्लांटेशन का शासन हो डबल ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंटली काफी जगह पर ऐसा देखा गया कि जब बहुत
जोरदार किसी को स्लैप वगैरह करते हैं और जोर से अगर कान के नीचे बज जाती है तो फिंगर जॉइंट में डैमेज होता है, क्योंकि प्रेशर के कारण, प्रेशर के कारण, क्योंकि ये जो यूस्टेशियल ट्यूब है, ये यूस्टेशियल ट्यूब को प्रेशर ग्रेडियंट का जो डिफरेंस है उसको काउंटर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, समय लगता है। अगर इतने समय में यहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये डैमेज करेगा, क्योंकि ये बोन है, बोन तो सच डैमेज होगी नहीं। अब बोन में दो चीजें डैमेज हो सकती है, या तो बोन में तो, या तो अब इतना आपके बॉडी का अच्छा है कि वो पहले डैमेज उसको कराता टिम्बलिंग में, ओल विंडो को पहले डैमेज नहीं कराया, इसीलिए ओल विंडो को पहले डैमेज नहीं कराया जाता है, क्योंकि विंडो इनर साइड में पड़ता है और वो अपने लिए अच्छा है, क्यों टिम्बलिंग में डैमेज होता है तो बाहर से देख भी सकते हो और नया लगा भी सकते, रिकस्ट्रक्ट भी कर सकते, पर अगर ओल विंडो को प्रॉब्लम होता है बहुत प्रॉब्लम होता है, वहां तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, आसानी से पहुंच सकते क्या तुम ये ओल विंडो आसानी से, ठीक है। तो अगर पूछता है और इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ईयर ट्यूब कभी होती है, ईयर बहुत लोग छोड़ते हैं इसके, वो ईयर ट्यूब पर पूछते हैं, आई के ऊपर भी पहुंचते और आई से ज्यादा लिखने में थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, आई जो है वो लिखने में आसान है, बहुत अच्छे तरीके से ज्यादा मटेरियल लिख सकते हो, ठीक है। और डायग्राम जो ये दोनों डायग्राम निकाल जाना चाहिए, ये वाली भी और वो कॉकलिया के ट्रांसफर सेक्शन, टीएससी, इसके बाद डीसीएस भी है, वो डीसीएस देखेंगे आप।